एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ये फिंगर स्टाइल अरेंजमेंट जो कि मैंने स्टार्टिंग में प्ले किया। बहुत ही इजी और यूजफुल फिंगर स्टाइल अरेंजमेंट है ये। तो अगर आप फिंगर स्टाइल प्ले करना स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आप अपने फिंगर स्टाइल प्लेइंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये लेसन काफ़ी यूजफुल रहेगा आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके के सिमिलर लेसन मैं पहले भी बना चुका हूं। तो दो फिंगर स्टाइल अरेंजमेंट ऐसे हैं जो कि काफी इजी हैं अगर आप फिंगर स्टाइल स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी फिंगर स्टाइल प्लेइंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो उन दोनों लेसन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है मेरी फिंगर स्टाइल लेसन की, जिसमें आपको बेसिक भी सीखने को मिल जाएगा, राइट हैंड टेक्निक, लेफ्ट हैंड टेक्निक, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी ये सारी जो एक्सरसाइजेज है मेंशन रहती हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पकड़ेंगे ए माइनर कॉर्ड और इसमें हम प्ले करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये सारी आपको एक एक करके प्ले करनी है, एक साथ नहीं प्ले करनी। तो कुछ इस तरह हम प्ले करेंगे। इसके बाद आप एक चक देंगे और इसके बाद आप प्ले करेंगे सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग एक साथ और लास्ट में आप प्ले करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन। तो कुछ इस तरह बैठेगा अरेंजमेंट। इसके बाद आप पकड़ेंगे डी माइनर कॉर्ड और इसमें भी सिमिलर पैटर्न ही आएगा ओवरऑल, पर यहां पे स्ट्रिंग्स हम प्ले करेंगे 4 3 2 1, तो कुछ इस तरह आएगा। तो यहां पे पहले आपने एक एक करके ये सारी स्ट्रिंग्स प्ले करनी है 4 3 2 1। इसके बाद आप देंगे एक चक, फिर आप प्ले करेंगे सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग और फिर प्ले करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग ओपन। इसके बाद हम पकड़ेंगे एफ मेजर कॉर्ड। यहां एफ मेजर कॉर्ड पकड़ने के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ फर्स्ट फोर स्ट्रिंग्स ही पकड़नी है। तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आएगी आपकी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट में, इसके अलावा मिडिल फिंगर आएगी थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और इसके अलावा जो आपकी थर्ड फिंगर या रिंग फिंगर होती है वो आएगी फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे। तो बस इतना ही आपको एफ को पकड़ना है इसके अंदर। और यहां पे भी सेम पैटर्न रहेगा जैसे कि अभी हमने डी माइनर पे किया था, तो वही 4 3 2 1 एक एक करके आपको प्ले करना है। उसके बाद आप देंगे एक चक, उसके बाद आप प्ले करेंगे सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग एक साथ और फिर आप इंडिविजुअली प्ले करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग। तो अब तक हमने तीन कॉर्ड्स कर लिए, ए माइनर, डी माइनर, एफ मेजर। अब इसके बाद थोड़ा सा चेंज आएगा कि आपको सी मेजर कॉर्ड पकड़ना है और यहां पे हल्का सा वेरिएशन भी आएगा। तो पहले सी मेजर कॉर्ड पकड़ के आपको इंडिविजुअली प्ले करनी है फिफ्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरह वो आएंगी। अब इसके बाद आपको जो है सी मेजर कॉर्ड में से थर्ड फिंगर हटानी है और मिडिल फिंगर को फिफ्थ स्ट्रिंग पे रख देना है। तो आपकी जो मिडिल फिंगर थी वो थी फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, अब उसको रख देंगे फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे और आपको सेम स्ट्रिंग्स प्ले करनी जो कि अभी आपने सी मेजर कॉर्ड पे प्ले करी थी 5 3 2 1। तो ये कुछ इस तरह आएगा। तो ये थी फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले आपने ए माइनर और डी माइनर तो वैसे ही प्ले करना है जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में किया था। अब आप डी माइनर के बाद प्ले करेंगे ई माइनर। अब यहां ई माइनर में आपको कॉर्ड पकड़ने की जरूरत नहीं है, ओपन स्ट्रिंग से भी जो है काम चल जाएगा, क्योंकि यहां पर जो हम कॉर्ड के लिए दो फिंगर्स रखते हैं फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग में वो यूज में नहीं आ रही। तो यहां पे सिर्फ ओपन स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे हम। यहां पे हम प्ले करेंगे 6 3 2 1
तो 6-3-2-1 प्ले करा, उसके बाद आपने चक दिया, फिर सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग्स एक साथ प्ले करी और इसके बाद सिक्स स्ट्रिंग ओपन प्ले करा, तो कुछ इस तरह बैठेगा वो। अब इसके बाद आप पकड़ेंगे सी मेजर कॉर्ड और इसमें आपको प्ले करनी है फिफ्थ थर्ड और सेकंड स्ट्रिंग एक साथ, फिर आप इंडेक्स फिंगर हटाएंगे और प्ले करेंगे सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग एक एक करके। तो ये थी सेकंड लाइन, तो पूरा मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि ये कैसे आएगा। बस सेकंड लाइन जब रिपीट होती है तो उसके एंड में हम ए माइनर कॉर्ड पकड़ के एक डाउन स्ट्रोक प्ले करते हैं इस फिंगर स्टाइल अरेंजमेंट को एंड करने के लिए। तो बहुत ही इजी लेसन है ये और आप इसको आराम से प्ले कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको स्लोली स्लोली करना है और फ्रेजेस में डिवाइड करके करना है। एक एक कॉर्ड पे जो भी पैटर्न है उसको अच्छे से याद करिए और फिर पूरी लाइन को कनेक्ट करिए, तभी ये अच्छे से आएगा। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो अच्छे से सीख भी पाएंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और ओवरऑल अपने फिंगर स्टाइल प्लेइंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आई होप आज का लेसन आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।